दोस्तों, ये है बहुत ही लाजवाब और टेस्टी मसाला भिंडी। तो इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर भिंडी ली है। मैंने इनको 4 पीसों में काटा है। तो सबसे पहले यहाँ पर भिंडी को धो के ले लेना है। और तो धो के पोंछने के बाद इसको 4 पीसेस में कुछ इस तरीके से काट देना। फिर तो उसके बाद बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तेल कढ़ाई में किया है। कढ़ाई में तेल करने के बाद यहाँ पर मैंने डाला है थोड़ा जीरा, थोड़ी अजवाइन। उसके बाद डाल दिया है मैंने बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद इसके अंदर मैंने डाल दिया है बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और उसी के साथ ही डाल दिया है मैंने यहाँ पर 1.5 टमाटर कटा हुआ। अब इसको अच्छी तरह से भून लेना, और जब टमाटर गल जाए इसके अंदर, तो अब इसके अंदर डालने हैं मसाले। तो यहाँ पर मैंने हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और भुनी हुई सौंफ का पाउडर ले लिया है। अब इन दोनों को इसके अंदर डाल देना और इसे थोड़ा सा भूनना, लगभग 2 मिनट। अब 2 मिनट भुनने के बाद इसके अंदर मैंने 4 बड़े चम्मच के करीब दही को फेंट कर इसके अंदर डाल दिया है। तो इसको अच्छी तरह से भून लेना, और जब 2-4 मिनट हो जाएंगे तो ये तेल छोड़ने लगेगा। अब इसको ढककर 5 मिनट के लिए पका दिया है मैंने। तो अब ये देखिए, मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और तेल अलग हो गया है। अब इसी के साथ ही यहाँ पर डाल देनी है भिंडी। भिंडी को अच्छी तरह से मिलाने के बाद नमक डाल देना इसके अंदर, और भिंडी को मिलाने के बाद 5 मिनट मैंने ढककर पकाया है। अब ढककर पकाने के बाद इसे 5 मिनट में हाई फ्लेम पर पकाऊंगा, ऐसे ही खोलकर। अब ये भिंडी की सब्जी अच्छी तरह से बनकर तैयार है। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।